इन्होंने फिलिंग बहुत अच्छी करके दी है, पूरा पिज़्ज़ा अच्छे हाथ से भरा हुआ है और बहुत फ्रेश हुआ हुआ है गरम गरम। तो चलें अब हम उसको टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसा लगा हमें ये पिज़्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे अपने अपने घरों में। आज मैं अपने दोस्त के घर पे आई हूँ और हमने यहाँ पर ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा मैक्स का पिज़्ज़ा, जो कि है लार्ज और 13 इंच का लार्ज पिज़्ज़ा, और ये फ्री डिलीवरी कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अपने घर में मंगाना है तो मंगा सकते हैं। चले आप आ जाए, टेस्ट करके देखते हैं इनका पिज़्ज़ा किस तरह का है। ये हमने ऑर्डर किया है लार्ज पिज़्ज़ा, जिसमें स्टफ जो है वो है कबाब की स्टफिंग करवाई है, और फ्लेवर हमने मंगाया है टिक्का। तो चले अब इसको ट्राई करते हैं और फिर आपको बताएंगे ये कैसा लगा। ये देखिए इतना चीज़ी करवाया हुआ है, इन्होंने फिलिंग बहुत अच्छी करके दी है, पूरा पिज़्ज़ा अच्छे हाथ से भरा हुआ है और बहुत फ्रेश हुआ हुआ है गरम गरम। तो चलें अब हम उसको टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसा लगा हमें ये पिज़्ज़ा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा चीज़ी हो रहा है, और इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है यार। चिकन टिक्के का फ्लेवर बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा है। वाकई कैचअप की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपको स्टफ़ दिखाते हैं बाइट करके। इन्होंने सीख कबाब डाले में स्टफिंग में, और ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो हम भी इसको रिकमेंड करेंगे आपको, क्योंकि ये वाकई बहुत अच्छा पिज़्ज़ा है। इनकी ब्रांच जो है वो कहाँ है, नॉर्थ नाज़माबाद में। नॉर्थ नाज़माबाद में इनकी ब्रांच है। अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप लोग ऑर्डर करें, हम अपने ही वीडियो में इनका नंबर और इनका एड्रेस वगैरह सब आपको मेंशन कर देंगे। इनकी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन भी है, इनकी वेबसाइट भी है, हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, आप लोग चाहें तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इनका नंबर वगैरह वेबसाइट सब मेंशन कर देंगे, और आई होप आप लोगों को भी इसी तरीके से पसंद आए जिस तरह हमें वाकई पसंद आया ये। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो इसीलिए हमने पिज़्ज़ा खाने के बाद सोचा कुछ मीठा खा ले चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं कुछ अच्छा अच्छा मीठा खाने के लिए, और गर्मियां हैं तो कुछ ठंडा ठंडा खाने के लिए। तो आइए चले चलते हैं, आपको इस वीडियो में बताएंगे हम कहां गए हैं और क्या खाया है। सर हम आ चुके हैं हुसैनाबाद के कराची आइसक्रीम की तरफ, और कराची आइसक्रीम खाने के लिए हम यहां पर पहुंच चुके हैं। बैठ चुके हैं जो कि आज कराची आइसक्रीम की रेस्टोरेंट है, और ये है इनका मेन्यू कार्ड जिसके अंदर सारे तरह की आइसक्रीम्स हैं। इसमें ओरियो कोन भी है, लार्ज कोन भी है, स्कूप्स भी है, और फालूदा भी है, गैस हाँ फालूदा भी है, और कराची कुल्फी भी है। तो यहाँ पे सबसे स्पेशल क्या है, मैंने ओरियो कोन यहाँ की ट्राई की है, बहुत ज़बरदस्त होती है, डिप कोन भी अच्छी होती है, और सभी कुछ मतलब यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी। तो मेरे ख्याल से हम ओरियो आइसक्रीम भी ट्राई कर लेते हैं, हाँ यहाँ की स्पेशल है, तो ये स्पेशल ट्राई करते हैं हमारी आइसक्रीम। चले अब जब आती है तो फिर आपको बता दें कैसी लगी।
आप लोग आ सकते हैं कराची आइसक्रीम की तरफ, जो कि हुसैनाबाद पे है। ये रहा कराची आइसक्रीम, और यहाँ पे काफ़ी कुछ वैरायटी है, लेकिन हमने लिए से बोरियो आइसक्रीम। आइए चलो टेस्ट करते हैं इसको, फिर बताते हैं आपको भी। चलो अब हम इसको टेस्ट करते हैं, ये कैसी है। दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, टेस्ट करते हैं आपको। बहुत अच्छी है, और ओरियो का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और ये आइसक्रीम का जो इन्होंने आइसक्रीम वनीला दी है ना, ये भी आम आइसक्रीम की तरह नहीं है, बहुत गाढ़ी है और अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है। तो यही कहते हैं, और ओरियो का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है इसके अंदर, हाईली रिकमेंडेड। आप लोग आएँ और ज़रूर टेस्ट करें यहाँ पर। इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है, होपफुली आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।